हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट सेलर सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने एक फुल पॉकेट कटिंग का प्रोग्राम किस तरह से बनाना है। आपके पास डायग्राम इस तरह से दिख रही होगी 2D में, तो जिसका 100 बाय 100 का एक ब्लॉक है और 80 का उसका डाया है, जो हमने फुल पॉकेट कटिंग करनी है। इट मीन्स लाइक हमने लास्ट जो प्रोग्राम बनाया था, हमने सिंगल कटिंग का प्रोग्राम बनाया था ये वाला, तो आज हम बनाएंगे, हमने सिंगल कट नहीं करना, हमने ये जो अंदर वाला पॉकेट है ये फुल कटिंग करनी है इसमें, ठीक है। तो उसका प्रोग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 2D ड्राइंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है। तो क्या है इसमें, 100 बाय 100 का ब्लॉक और 80 का डाया, प्लस इसमें हमें टूल कौन कौन सा लगेगा, ठीक है। देखिए मैं यार डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टूल डाया हमारे पास यहाँ पे कितना अप्लाई हो रहा है। हम 20 का टूल डाया लेके चल रहे हैं अभी। आप यहाँ पे टूल डाया कोई भी लेके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। आपके पास अगर टूल डाया 10mm का या 30 का भी अवेलेबल है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि हम टूल डाया 20 लेके यहाँ पे किस तरह से प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, ठीक है। सो टूल डाया मैंने 20 का लिया है और आप देख सकते हैं नेक्स्ट भी मेरा 20 का। सो यहाँ पे टूल को मैं 3 बार ट्रेवल करवाऊंगा, 1 टाइम, 2nd टाइम और 3rd टाइम, ठीक है। तो तीनों टाइम इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहां से लेकर अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, क्योंकि एब्सोल्यूट में काम करेंगे हम, तो एब्सोल्यूट में अगर हम काम करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाता है। देखिए पहला डिस्टेंस ही हमारे पास कितना आ रहा है 20 का, और अगर हम सेकेंड डिस्टेंस की बात करें तो सेकेंड डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, ये सेंटर आ रहा है इसका, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 30। और लास्ट डिस्टेंस देखिए डाया कितना, 80 का, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40, मतलब हाफ डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं। तो थर्ड अटेम्प्ट में हमारा ये जो पॉकेट है वो कंप्लीट कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं टूल को यहाँ पे हाफ क्यों चला रहा हूँ, हमने टूल को 50% कंट्रीब्यूट करना है। आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बस जस्ट एक मैं स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो 50% या इससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने का रीजन क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक सर्कल और बना लेता हूँ और इसका भी, इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको एंड टू एंड चलाऊं तो क्या बनेगा। देखिए अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मेरा कितना कवर हो रहा है, हाँ 2 कट में मेरा कंप्लीट जो पॉकेट है वो कट हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों टूल टेंजेंसी लेके चल रहे हैं और यहाँ पे चिप्स हमारी क्रिएट हो जाएंगी। चिप्स हमारी कहाँ क्रिएट होंगी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके पास सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके पास चिप्स क्रिएट हो जाएंगी। तो चिप्स ना क्रिएट हो इसलिए हम उसको 50% कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं टूल को, ठीक है। हाफ टूल ट्रेवल करवा रहे हैं, फर्स्ट टूल हमारा फुल चलेगा, उसके बाद हम हाफ चलाएंगे, फिर थर्ड अटेम्प्ट में भी उसको हम हाफ चलाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन है हमारा टूल को 50% या उससे कम या ज्यादा कंट्रीब्यूट करवाने का, ठीक है। तो ये रीजन आपको क्लियर हो गया आई थिंक। तो आइए इसका प्रोग्राम जनरेट करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम क्या बनेगा, O006, कोई भी नेम ले सकते हैं आप। सो यहाँ पे आ जाएगा G17, G21, G90, G94, G55 में हम लेके चलते हैं। लास्ट जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसकी ऑफसेट भी हमने 55 में ही ली थी और उसकी डायमेंशन भी हमारे पास सेम थी और टूल डाया भी हमने सेम ही लिया था, ठीक है। तो हम वही एक ऑफसेट लेके चलते हैं, T01M06, और टूल स्टेशन 1 में ही हमने टूल चलाया था। यहाँ पे भी हम टूल स्टेशन 1 में ही चला लेते हैं, बट हमें टूल की सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो स्पिंडल की स्पीड भी हम वही रख लेते हैं M03, काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा हमारा स्पिंडल। देन इसके बाद G0 मींस हमें रैपिड में कॉल करनी है उसे, और रैपिड में हम कॉल कितना करेंगे, G0X कितना हो जाएगा हमारे पास, अब आप देख सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 20 आ रहा है। तो एक्स में कितना होगा 20 और वाई में कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, जो आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स में कितना हो जाएगा 20, वाई में कितना हो जाएगा 50, और उसके बाद Z2 हमें टूल को थोड़ा सा ऊपर रोकना है, और G1Z0 फीड 200 M08 हम कूलेंट भी ऑन कर देंगे। Z-2 हमने कटिंग ले ली इसकी, और अब इसके बाद G3 पे इसको रन करेंगे हम। एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑटोकैड में आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टूल चलेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा।
आपको टूल कहाँ से चलाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 80 का डिस्टेंस आ जाएगा। सो आप इसको इजीली यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। सो G3 एक्स में कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 80, वाई में कितना आ जाएगा, 50, और रेडियस अब कितना आ जाएगा। अब आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस फाइंड आउट कैसे होगा, अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इट मीन्स रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि जो टूल है हमारा वो इस पैटर्न पे चलेगा, ठीक है ना, इस पिच पे चलेगा हमारा टूल। तो इसका रेडियस एक बार चेक कर लेते हैं हम, रेडियस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। सो हमें रेडियस कितना देना है यहाँ पे, 30। तो आप देख सकते हैं G3 में चल रहा है हमारा टूल, x हमारा 80 आ गया, y हमारा 50 आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, रेडियस हमने 30 दे दी है। सो टूल यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगा अब। सो यहाँ पे हमें G3 दोबारा लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी हाफ, यहाँ पे टूल जो है मेरा हाफ चलेगा, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स ही वही दिए हुए हैं, ठीक है, और ये चलेगा भी हाफ ही। इसके बाद हमें फुल चलाना है, तो यहाँ पे हम क्या कोऑर्डिनेट्स देंगे, G3 x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वापिस वही x20, y50 एंड देन r30, ठीक है। सो यहाँ पे भी हाफ चलने के बाद यहाँ पे हाफ वापिस आ जाएगा और ये फुल एक स्लॉट जो है वो कट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे टूल चला लिया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट कर चुका है। अब इसके बाद मुझे टूल को ट्रेवल कराना है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10 mm। सो 10 mm टूल को मेरे को अंदर मूव करवाना है, ठीक है। सो वो G1 में होगा, सो G1 में चलाएंगे। अब आप देखिए मुझे टूल को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कटिंग ही हो रही है, ठीक है। सो मैं Z-2 में ही G1 को अंदर लेकर चलूंगा। G1 x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 30 और y अगेन 50 हो जाएगा, और अगेन यहां से हम G3 स्टार्ट कर देंगे। x कितना हो जाएगा, अब यहां से आप इस वैल्यू से 10-10 रिड्यूस करते चलिए, ठीक है। सो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास, 70, और y 50 रहेगा, और रेडियस मेरे पास हमेशा रेडियस अगेन कितना हो जाएगा, 20। अगेन G3 अप्लाई करेंगे, x कितना हो जाएगा, 30, y 70, और r कितना हो जाएगा अगेन, 20। तो 10 mm अगेन रिड्यूस कर दिया। अगेन G1 में चलेगा टूल, x कितना हो जाएगा, 40, y 50, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अगेन G3, x कितना हो जाएगा, 60, y 50, और r हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। इस टाइम हम 10 mm का टूल, 10 mm के रेडियस पे हम टूल को ट्रेवल करेंगे, बिकॉज हमारा टूल जो है काफी अंदर आ चुका है। अगेन G3, x कितना हो जाएगा, अब 10 mm रिड्यूस कर दो, x 20 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 50, और r कितना हो जाएगा, अगेन 10, ठीक है। सो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है, y क्योंकि कॉन्स्टेंट जा रहा है हमारा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है पॉकेट जो है कंप्लीट कट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, G0, Z100, M05, M09 और M30, हमारे पास ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको रन करके देखते हैं CNC सिमुलेटर के अंदर। सो सबसे पहले इमरजेंसी ब्रेक अनलॉक करेंगे, यहां से हम इसे रोटेट करके चेक कर लेते हैं, हल्का सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें टूल मैनेजमेंट में जाकर टूल सिलेक्ट कर लेना है। 10 mm लास्ट टाइम था हमारे पास, अब यहाँ से हम इसको 20 mm कर देंगे। बाकी स्पेसिफिकेशन हमारे पास सेम रहेगी, टूल स्टेशन 1 में से ऐड कर देंगे, माउंट कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। रेफरेंस में चले जाएंगे और हम होम रन पे ले जाएंगे, ऑफसेट में चले जाएंगे, हमारे पास वर्क ऑफसेट आ रही 55 में, और यहाँ से हम पिछली बार हमारा टूल था वो 10 mm का था, इस बार हमने कितना टूल लिया हुआ है, 20 mm का। तो यहाँ पे हमारी ऑफसेट जो है वो चेंज हो जाएगी। सो हमें इसकी वैल्यू लेके, तो यहाँ से हम ऑफसेट ले लेते हैं, जेड तो हमारा सेम रहेगा, रोज टूल की लेंथ हमारे पास सेम आ रही है, बट फिर भी हमें टचिंग लेनी है, क्योंकि हमारा टूल जो है उसका डाया चेंज हुआ है। सो ले लेंगे इसकी वैल्यू,
ठीक है, यहां से हो जाएगा Z0 मेजर, आप देख सकते हैं ये वैल्यू इसने पिक कर लिया यहाँ से, और Z में ऊपर उठाएंगे, Y में माइनस लेके चलेंगे, और Z में अगेन माइनस चलेंगे, और Y में इसकी टचिंग लेंगे पॉजिटिव में, और इंक्रीमेंट करेंगे, और इसके बाद ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, मेजर अगेन, आई थिंक लास्ट भी मैंने शायद 20 का ही लिया था, वेरी गुड, कोलाइड हो रहे हैं। सो z में थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे हम इसे, और फिर अगेन y में मूव करेंगे, अब नहीं होगा, यहाँ से कोलिजन हो रही है, तो हमने ऑफसेट यहाँ पे, और यहाँ से हम x क्या कर देंगे अभी माइनस 10, यहाँ पे हम कर देंगे मेजर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको होम रन पे ले जाएंगे, प्रोग्राम जनरेट करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या लिखेंगे, ओ लास्ट टाइम हमने क्या बताया ना 989998 बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास आया नहीं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी ऑन नहीं है, सो ओ 998 बना लेते हैं, सो G17, G21, G90, G94, G55, T01M0, 6, S2000, M0, 3, G0, X कितना आ जाएगा 20, Y50, Z2, G1, Z0, C200, M0, 8, देन इसके बाद Z-2 हमने कटिंग ले ली, और G3 में रन करेंगे तो X के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, X आ जाएगा 80, Y आ जाएगा 50, और रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 30, और अगेन G3 अप्लाई करेंगे तो X कितना आ जाएगा 20, Y हो जाएगा 50, और रेडियस अगेन 30 आ जाएगा। और इस टाइम हम G1 में रन करेंगे, G1 में हम कितना लेके चलेंगे, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमने कितने लिए थे, X20, सो अब हमारा 10 mm अंदर मूव करेगा, बिकॉज टूल हमारा हाफ ट्रेवल करेगा, तो G1 X हो जाएगा हमारे पास 30, Y 50, और अगेन G3 अप्लाई करेंगे, X कितना हो जाएगा अब हमारे पास 10 mm रिड्यूस कर देंगे वहां से, बिकॉज 10 mm अगर यहाँ से मूव किए तो वहां से भी रिड्यूस होगा, सो X70, Y50, R हमारे पास 20 हो जाएगा, अगेन G3, X हमारे पास कितना हो जाएगा 30, Y50, R अगेन 20, G1 में अगेन ट्रेवल करेगा टूल, 10 mm और अंदर जाएगा, तो लास्ट टाइम हमने लिया था 30, अब हमारे पास हो जाएगा X40, ओके क्या हो जाएगा X40, Y50, देन अब G3 अप्लाई करेंगे, X कितना हो जाएगा 10 mm रिड्यूस कर देंगे तो कितना हो जाएगा X60, Y50, सॉरी रेडियस नहीं आया, तो यहां से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं Y50, R हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसको हम यहां से चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा G3 अगेन, X कितना हो जाएगा 40, Y हो जाएगा 50, R हो जाएगा कितना 10, ठीक है, ये मैंने शायद यहाँ पे गलत कर दी है, ये हमारे पास R10 आएगा, तो यहाँ से अगेन इसे ऑल्टर कर देंगे, अब यहाँ पे हमारे पास टूल, अब हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया, उसने फुल पॉकेट कटिंग कर दी है, देन अब क्या करेंगे G0 Z100, M05, M09 और M30, ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाथ हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया, टूल हमारा ये है, पाथ हमारा ये है, ठीक है, सो इसे अब
रन करके देखते हैं। सो सिंगल सिंगल ब्लॉक पे इसे रन करके देखेंगे किस तरह से। अभी हमारा पॉकेट और M30 ये एंडेड रीसेट हो गया। सो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी तो हमने 2M का कट लगाया यहाँ पे, तो आगे आगे जो हमारे प्रोग्राम आएंगे उसमें हम सब प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि हम देख सकेंगे कि अगर हमें 10mm 20mm 50mm डीप कटिंग करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी 10mm 20mm डीप कटिंग करना चाहेंगे तो प्रोग्राम काफी लंबा हो जाएगा। हम उसे सब प्रोग्रामिंग में किस तरह से बनाते हैं वो भी हम देखेंगे आगे आगे। ठीक है, सो अभी ये बेसिक सी प्रोग्रामिंग है। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको सीखिए अच्छे से, ठीक है, और इसके प्रोग्राम बना के देखिए। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।